भाई वो कबूतर आला बने ना था गीत वो जन सड़वा का इब सामना रहा है सामने का गाय जू है सामने का गाय दियो बड़े बड़े डाला दूलाती मेरी सासड़ रानी को साता जानी का साथ है बड़ा कथा डाला न्यों गया मेरी सासड़ रानी को बिछड़ गया सब साथ साथ की साथ ने सरी आई मेरी बड़ रानी कोई तन की तला पहला ताई गीत चाले करते सम्मन फागण कैतक सब गीत चाले करते याद तक रह रहे पहले गीत गाया करते सामने के कत्तक के सब का क्या गावे फिर सब क्या है क्या आवे थे फिर ई वालिया ने नहीं आते ने वे ई वालिया ना आवे के है बस वो ये भन्ना के डन नसाव है गीत को गवा के देखी कोनाम के ने गीत जात बड़का ने आजकल तो कबूतर गाना चल रहा है गाना ना चलो गाई गा करे जी जाता आवे थे भाई ई बार कु गावे है आजकल का गीत चल रहा है कबूतर बताइए एक बार आजकल का तो गीत कबूतर चल रहा है भाई वो कबूतर आला बने ना था है ना आजकल तो क्या करा ताई जब अपना समझी छठी होई कर दी नी गीत गाए कर दी और आजकल क्या करा इनको डीजे ला दियो पहले कोई घर में फंक्शन होया करता समझी छठी होया करती जब गीत गाया करते आजकल तो डीजे लगवावे हैं तो ताई अपने उम्र की जो ताई देखने लग रही है वो अपनी आस छोड़ रही है मर तो कोनी गंगा जाया जाता अमर तो गोडे कोनी काम करते उनकी क्या कहना चाहोगी जो आपकी उम्र की लुगाई है वे तईब आस छोड़ रही है कि भाई मार पे तो इब गंगा जी नहीं जाया जाता तो उन तक क्या कहना चाहोगे मेरी उम्र की लुगाई कोई आस ना छोड़ रही मेरी उम्र की लुगाई या मैं इतनी ताकत है जितनी मेरा में है अच्छा हाँ तो आप सुना देगा दे अपना टाइम की कोई बात है मारे टाइम की के बाद मारे टाइम के तो काम मना रहे रे भाई पहले तो सब कुछ शरीर से मेहनत का था इब रह रहा है बटन का पापा बटन दब काम फट दे ही हो गए अपने टाइम रख नहीं किसे चल लेगा दे बड़े बड़े लक्ष्मी की मांगे की मस्त सतबीर की राज काले गाने देख लो किसे किसे चल रहे हैं पसंद ही नहीं है हमारे को तो ये आजकल के गाने हम तो देसी रागनी देसी किस्से ये सुनकर खुश हैं अभी भी अरे आजकल तो डीजे में भी ऐसे ऐसे गाने बाजा पूरा परिवार है इकट्ठा बैठ कर देख सकता सुन सकता नहीं गंदे गाने हैं वो उन कलाकार साथी तो देखने लग रहे क्या कहना चाहोगे जैसे गंदे गंदे गाने बनाएगा कुछ वो मैं तो कहता हूँ उनको शर्मानी चाहिए एक दो ऐसे गाने बजाते हैं डीजे पर जो बुढ़ी बुजुर्ग आपने देखने लग रही हूँ क्या कहना चाहोगे क्या कहना चाहूंगी समझ नहीं पाई भाई मैं आप जो आपने सारे आज टीवी पे देखे हैं तो उन आप क्या कहना चाहो अपनी राय बताओ क्या कहना चाहूँ बस यह प्रार्थना राम कृष्णी की राम नाम राम का नाम अपनी बहू बहुआ का लड़ियो कहते तो आजकल हम दे बहू बहुआ का लड़न लग जाए जो आजकल बहुआ का लड़न लग जाओ उन तक क्या कहोगे मैं लड़िया नहीं करे आज बहुआ वो पहले वाली बात ना है कोई लड़ाई ना करे वो इतनी प्यारी लग गए बालका ने बहुत गई सेवा तो लड़ाई नहीं करे सेवा तो कर दी होगी बहू क्यों करे अपना राजी खुशी ऐसी मुश्किल है वो है भाई बहू सेवा तो करती होंगी ना भाई मेरा परिवार है भाई वाह था किगड़ी कल तक किसी ने देखी है पर बहुत बढ़िया है ये भी देवता है तो देख लो भाई आज का टाइम में सब है पूरा परिवार और एक प्यार तरह परिवार मुश्किल तो देखने में मिला है कि अगर मैं सारी फैमिली खट्टी रहोगे वही बात है अगर मेरे बाल के निकल में होते तो टूट फूट कर तीन चार गांठ लग गई थी इतना ही तो चली जाए मैं सही बात है ताई हाँ और आजकल के तो बुढ़े होते घर क्या नाम अपना वृद्धाश्रम में छोड़ दिया मैं आजकल तो
बूढ़े होते माँ बापा ने वृद्धाश्रम में छोड़ा हुए है। तो वृद्धाश्रम में ये मन्ना छोड़ कांगे तो कालीन का भी है। सही बात ठेकरा ना ठेकरा त्यार है। हाँ ठेकरा ना ठेकरा त्यार है। वो गद्दशाला है। तो देख लो भाई हमारा एक ताई तो आपकी इंट्रोड्यूस भी करवा दे मिलवाया भी रही ताई कोटसा गांव के और कुछ अपना इस इंटरव्यू तो मोटिवेशन नहीं मिला होगा भाई तो अपनी राय कमेंट बॉक्स छोड़ आई के कोई ही मतलब ताई कुआ रहे हाँ। तो भाई देख लियो थोड़ा बहुत मजा आगा भाई इंटरव्यू पूरा बने रही इंटरव्यू देखने खातर तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख दिया अपना इंटरव्यू कैसा लग गया। अरे तो बुद्ध आश्रम में छोड़ का हूँ ना है उन बुद्ध आश्रम में छोड़ना प्रस्ताव भगवान के हाथ में है। सही बात है बंदे के हाथ में नहीं है। वृद्ध आश्रम में बच्चे गरीब के पाएंगे और माँ बाप साहूकारों के पाएंगे। सही बात है। एक जज था जज साहब थे एक और जज साहब की माँ काफी गुजरे हो रही थी और जज साहब की बहू की और उसकी बननी थी तो वो बोला माँ मैं तेरे को वृद्ध आश्रम में छोड़ा हूँ। और भाई वृद्ध आश्रम में छोड़ा तो वृद्ध आश्रम में ले गया उसको वहाँ जो चौकीदार था मतलब वृद्ध आश्रम का जो इंचार्ज था उसको भाई बताया भाई ये मेरी माँ है और इसका पूरा खर्चा मैं हर महीने पहुँचाता रहूँगा और सेवा इसकी पूरी करना। वो ये बात कह कर जब बाहर निकलने लगा तो वहाँ जो चौकीदार था वो कहने लगा जज साहब हाँ भाई मैं एक बात कहना चाहूँ हूँ आपसे कहाँ बोलो भाई आप जज हो हाँ जब आप अपने घर का फैसला सही नहीं कर सकते तो बाहर क्या फैसला करोगे। सही बात। वहाँ से उस जज को अकल आ गई जी। वहीं से वापस मुड़ के और अपनी माँ को लेकर आया घर पे और बहू को बच्चों को उसने फारिग कर दिया अकदाओ मेरी तरफ से कहीं। तब उनका भी अकल आई कि क्यों सारा तक कमाने खाने का वो ही था उसी की मरोड़ थी ना उसको तो उसने दुद्कार दिए वो तब उनको भी ज्ञान हो गया। तो ठोकर लागे ठोकर से ज्ञान होता है। तो देख लो भाई ताऊ जी ने कितनी बढ़िया बात कही ठोकर लाकर ठोकर है तो ज्ञान मिलेगा। तो भाई इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट ज़रा मोटिवेशन है कि भाई माँ बाप की सेवा करो माँ बाप तो बड़े कुछ भी कोनी। और एक और भाई खास संदेश आपने परसों देखा भाई गर्मी का तापमान 48 डिग्री तक चला गया था वो क्यों गया पेड़ पौधे की जनसंख्या कम होती जान लग रही है पेड़ पौधे कटते जान लग रहे हैं। तो भाई हम जो दूसरी स्टेट में जावा नहीं तो वहाँ जाके खून बड़ा भाई कि मेरा हरियाणा हरियाली का नाम तो जाना जाए करता लेकिन इतनी ज्यादा तादार में पेड़ कटने लग रहे नहीं तो हरियाणा का नाम एक किस्म का मतलब लुप्त होने लग रहा है कि भाई पेड़ पौधे खत्म हो गए। तो भाई सारे भाई यहाँ तो यही रिक्वेस्ट है मानसून का भी ना आएगा समस्या लग रहा है तो एक एक पेड़ भाई सारे भाई लाइयो तब तेले भाई देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा।